टी20 श्रृंखला तो जीत ली भारत ने, 2-1 से पिछड़े थे पर 3-2 से जीते हैं। डू ऑर डाई एनकाउंटर में अपना कोई सानी है ना, ये हमने दिखा दिया। लेकिन अब बारी है 3 ODIs की, और यहां पर भी नंबर 1 इज इंग्लैंड, नंबर 2 इज इंडिया, ऑल टू प्ले फॉर। पुणे के मैदान पे होंगे मुकाबले और इस पे होंगे कई सारे वो कहते हैं ना गंभीर सवाल। क्या शिखर धवन को खिलाना चाहिए, क्या उनको बतौर ओपनर खिलाना चाहिए, क्या होगा केएल राहुल का, क्या ऋषभ पंत खेल सकते हैं, क्या कुलचा साथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, इस पे हम करने वाले हैं बात। और टॉस का कितना महत्व रहता है वो तो बात मैं करूंगा, पर आज हिस्ट्री में सर विविन रिचर्ड्स टॉस करने बीच के कपड़ों में उतर गए। हाँ सीरियसली, निकर और वो शॉर्ट्स पहनी थी, बीच शॉर्ट्स और एक वो रंग बिरंगी शर्ट, उसकी कहानी बताने वाला हूं आज। एंड देन 6th विकेट के लिए, दैट्स द ट्रिविया क्वेश्चन, 6th विकेट के लिए सबसे बड़ी आज तक जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी हुई है उसमें एक भारतीय इन्वॉल्व था, वो कौन सी साझेदारी है, वो कौन से दो भारतीय हैं। #आकाशवाणी ट्रिविया आज थोड़ा सा मुश्किल है ना, ये एंड तक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आप नहीं पहचान पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 6th विकेट की साझेदारी सबसे बड़ी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन उसमें एक ही भारतीय इन्वॉल्व है, तो दूसरा कौन था, वो कहाँ हुआ था, आई टेल यू लेटर। पर पहले बात करते हैं क्या शिखर धवन को खिलाना चाहिए, इसी सबसे बड़े जो बर्निंग क्वेश्चन, जो कौन ओपन करेगा, क्या रोहित शर्मा के साथ आपको केएल राहुल दिखेंगे, रोहित शर्मा के साथ आपको विराट कोहली दिखेंगे, या फिर शिखर धवन दिखने चाहिए। मेरे विचार में पहले तो रोहित को तीनों मैच खेलने चाहिए, कोहली को भी यहाँ तीनों मैच खेल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वनडे क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम और इसका कोई वर्ल्ड कप आने वाला भी नहीं है, अभी तो कोई एक्सपेरिमेंट की कोई जरूरत नहीं मेरे विचार में। केएल राहुल को मैं बतौर ओपनर नहीं उतारूंगा, मेरे विचार में शिखर धवन को खेलना चाहिए और तीनों मुकाबले खेलने चाहिए, क्योंकि जब आप फेयर होने की बात करते हैं ना तो ये जरूर रखें कि आप किसी को मौका दे रहे हैं पर किसी के मुंह का निवाला मत छीनिए। एक फॉर्मेट खेलते हैं, शिखर धवन एक मैच खिलाया था आपने T20 का, उसका ड्रॉप कर दिया, टेस्ट मैच में नाम नहीं है, वनडे में मिस्टर ICC हैं, ये बहुत रन बनाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनकी तरफ कोई आंख उठा के भी ना देखे। मैं तो ये कह रहा हूं इस पूरी श्रृंखला में शिखर धवन शुड ओपन विद रोहित शर्मा इन ऑल 3 आउटिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही डज, ये मेरा मानना है। तो शिखर धवन को बतौर ओपनर में उतरते देखना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और इस जोड़ी ने ना कमाल भी किया वनडे क्रिकेट में, सो जस्ट स्टे विद हिम, दैट्स पॉइंट नंबर 1। और दूसरा मेरा जो बड़ा डिबेट का इशू है वो ये है कि ऋषभ पंत को खिलाया जाए या फिर केएल राहुल को खिलाया जाए, क्या दोनों को खिलाना संभव है। सी, दोनों को खिलाना शायद मुश्किल हो जाएगा, लेट्स बी फेयर, क्योंकि अगर आप 5 गेंदबाज प्लस हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए दोनों की जगह बचेगी नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो नंबर 4 पे खेलेंगे, और नहीं खेलेंगे तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा, क्योंकि न्याय तो करना है यार, जो पिछले मैचों में सब जगह अच्छे रन बना के आया आप उसको ड्रॉप कर दो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। आप किसी और का भी, तो सूर्य कुमार यादव को कितनी अच्छी फॉर्म क्यों ना हो, आप उनको जगह इस फॉर्मेट में मेरे विचार में अभी आप नहीं दे सकते। और किस चीज़ की तैयारी करनी है, 2023 में होगा वर्ल्ड कप, तब तक तो मतलब दुनिया बदल जाएगी ना, तो उसकी अभी हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। तो मेरे विचार में श्रेयस अय्यर एट 4, पंत और राहुल में से एक, आई विल गो विद राहुल, आई वोंट गो विद पंत, पंत को मैं पसंद करता हूं, पर पंत ऑलरेडी अच्छा खेलते आ रहे हैं, टेस्ट भी खेला, T20 भी खेला, अभी IPL भी पूरी खेलेंगे ही, और लगातार इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे। केएल राहुल को हमारी मदद की जरूरत है, हमारी सपोर्ट की, समर्थन की जरूरत है। मैं तो भैया केएल राहुल को नंबर 5 पे रखूंगा, कीपर फिनिशर, जो काम इन्होंने पिछले 12-15 महीने से किया, यार कप्तान बना दिया था आपने इनको, आप ये कीपर भी बनाते थे, फिनिशर भी बनाते थे, कप्तान भी बनाते, सब कुछ किया इस खिलाड़ी ने, 4 मैच आउट हो गया तो आप उसका दामन छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, ना ना मैं तो नहीं करूंगा, तो मेरे विचार में वो। और नंबर 5 वो, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, और फिर बड़ा सवाल आएगा कि क्या दोनों स्पिनर्स को खिलाया जा सकता है, अपने कुलचा को खिलाया जा सकता है, 100% खिलाना चाहिए, क्यों नहीं खिलाओगे, क्योंकि क्यों आपने शिफ्ट किया था वो बैलेंस कि हमें फिंगर स्पिनर्स नहीं, हमें रिस्ट स्पिनर्स चाहिए, क्योंकि फिंगर स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा थे, आपने उनका उनसे मुंह फेर लिया, आपने 2 रेस्ट स्पिनर्स को खिलाया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और दोनों ने मिलकर 25-26 जब मुकाबले खेले थे शुरुआत में, 100-100 विकेट ली थी यार, तो बीच में मतलब 4-4 विकेट इन मिडिल ओवर्स कंसिस्टेंटली। कुलदीप यादव इज फास्टेस्ट टू 100 ODI विकेट्स, फिर भी आप उनके चयन के ऊपर सवाल उठाते हैं, मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। तो मेरे विचार में आप इन दोनों को खिलाए, सामने वाली टीम रिस्ट स्पिन वैसे ही बहुत अच्छा नहीं खेलती, तो हाँ उनको पक्का खिलाइए। नंबर 7 पे आप चाहे वॉशी को खिला लीजिए, चाहे आप अपना कृणाल पांड्या को खिला लीजिए, आप किसी को खिला लीजिए, वो आपकी मर्जी है, आई एम विद यू, पर मेरे विचार में दोनों को जरूर खिलाइएगा। सिर्फ पेच यहाँ ये फंस सकता है कि अगर पिच में घास ज्यादा हुई ना तो फिर आप कहोगे यार एक तो मैं ऑलराउंडर खिला लेता हूँ, क्योंकि हार्दिक के बाद एक और ऑलराउंडर चाहिए मुझे नंबर 7 पे बैटिंग करने वाला, तो वहां पे मैं वॉशी को खिला लेता हूँ या कृणाल को खिला लेता हूँ, फिर एक ही स्पिनर खिलाता हूँ, 3 फास्ट बॉलर खिलाता हूँ, अगर वो कॉम्बिनेशन बना
तो फिर हो सकता है कुलचा इकट्ठा ना दिखे पर दिख जाए, तो मैं तो यही चाहता हूँ। सामने वाली टीम से क्या उम्मीद करेंगे, उनकी बोलिंग कमजोर है क्योंकि अब वहां पर जो आर्चर नहीं है, सिर्फ मार्क वुड है जो शायद तीनों मुकाबले खेले ना। आपके पास टोपली है, आपके पास टॉम करन है, पर उतनी गहराई तो नहीं है, क्रिस वोक्स भी नहीं है, तो वहां गहराई मुझे कम नजर आ रही है। दोनों स्पिनर शायद यहां खेलेंगे, राशिद और मोइन, बट देन इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया इस श्रृंखला को जीतेगा 2-1 से, हो सकता है 3-0 से। 3-0 से भी अगर भारतीय श्रृंखला जीत जाए ना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, और हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स होने चाहिए। अगर पहले बैटिंग आ जाएगी, करना कोई चाहेगा नहीं, पर अगर आ जाएगी तो 350-350 के करीब पहुंचिए, आप मुकाबला जीत सकते हैं। आई एम गोइंग विद टीम इंडिया फॉर गेम नंबर 1 एंड फॉर द एंटायर सीरीज। अब जो मैंने कहा था आपसे ट्रिविया, नहीं ट्रिविया बाद में बताऊंगा कि कौन सा वो 6 नंबर की साझेदारी में भारतीय था, क्या था मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप देखिए हिस स्टोरी, इसमें सर विविन रिचर्ड्स की बड़ी मजेदार। ऊपर रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली बीच टी शर्ट जिस पर बने हो बॉब मार्ली, नीचे बीच शॉर्ट्स जिसकी चकाचौंध से आंखें चौंधिया जाएं। ये कपड़े पहने सामने से आते हुए ये हैं वेस्ट इंडियन कप्तान विवियन रिचर्ड्स। मगर एक मिनट रुकिए, ये कोई कैरेबियन का बीच नहीं जो सर विवियन रिचर्ड इटलाते हुए चले आ रहे हो जैसे मानो करनी हो सर्फिंग। जनाब ये तो एक क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन सर रिचर्ड शायद इस क्रिकेट पिच को भी समंदर का तट ही समझ बैठे हैं। जब सारे प्लेयर्स नजर आ रहे हो केवल सफेद रंग की टेस्ट यूनिफॉर्म में, तो जरा सोचिए सर रिचर्ड अपने रंग बिरंगे कपड़ों से कितनों को कर रहे होंगे आश्चर्यचकित। टाइम हो चला है टॉस का। सामने खड़े हैं एकदम क्रिस्प और शार्प दिखते हुए इंग्लैंड के कप्तान क्रिस काउड्री। जब बारी आई टीम शीट से प्लेइंग 11 पढ़ने की, तो इंग्लैंड के कप्तान काउड्री ने रूल्स के मुताबिक पढ़ डाली फेरिस्त। अपने कपड़ों की तरह रिचर्ड्स भी रंगीन मिजाज के ठहरे। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सुनकर बोले, चाहे जिसे खिलाना है खिला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर का स्वैग ऐसा था कि टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान से पूछ बैठे, क्या करना है तुम्हें, बैटिंग या बोलिंग? काउड्री ने बोला, बैटिंग। तो सर रिचर्ड्स मुस्कुराते हुए बोले, चलो ठीक है, हम बोलिंग कर लेंगे। वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गई और साथ में श्रृंखला भी, पूरे जोश खरोश के साथ। असल में तो ये मैच एक भी बॉल डालने से पहले ही जीत चुकी थी वेस्ट इंडियन टीम। कहते हैं ना, जीत एक सोच है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अच्छी स्टोरी थी ना, स्वैग है सर का, मतलब अलग अंदाज है इनका, खिलाड़ी कमाल के थे और स्वैग भी अलग था। नाउ इट इज अ 218 run 6 wicket पार्टनरशिप, 218 runs। ये एशिया 11 वर्सेस अफ्रीका 11 के बीच में आई थी, जून 2007 की बात है, और खिलाड़ी थे महेंद्र सिंह धोनी और महिला जयवर्धने। सो एशिया 11 के लिए इन दोनों खेलते हुए 6th wicket के लिए 218 run की साझेदारी रची थी। भाई फैंटास्टिक, इस ट्रिविया के लिए ताली बनती है यार, और इस ट्रिविया के लिए ना आपका शेयर करना भी बनता है, आपका अपने प्रोफाइल पे पिन करना भी बनता है, और कमेंट सेक्शन में बताना ही बनता है कि ये वाली ट्रिविया आप नहीं कर पाए थे सॉल्व, करेक्ट है ना? ऐसे ही होता है, ट्रिविया अपनी बड़ी कमाल की होती है। चलो अब जाते जाते मेरे आपकी शॉर्ट्स, मेरी आकाशवाणी, कल फिर मिलेंगे और इंडिया की जीत का थोड़ा जश्न मनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तैयार है? ये स्टंप्स के पीछे, ये स्टंप्स के आगे, घूमे फिरे और गेंद को भेजा बहुत दूर घूमने फिरने के लिए।